तत्वदर्शी भजन कवि ब्रह्मानी जी के परम श्रीमती नाथ जी सत्यनारायण स्वामी जी महात्मा बाबूलाल जी महाराज एवं प्रांजन में बैठे हुए धर्म प्रेमियों माताएं बहनों बच्चों तथा बच्चियों, आज हम सभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लोधीपुर ग्राम में अपने दरबार में पधारे हुए हैं। हम सभी मानव अपने कल्याण के हेतु इस सभा में बैठ कर गुरु प्रार्थना स्तुति विनती प्रार्थना की कड़ी दोहराई जा रही है, लेकिन हमारा तन सत्संग भवन में बैठा हुआ है और हमारा मन कहीं और। हमारे संतों ने इस विषय पर हम सभी मानव को गाइड किए हैं, उपदेश दिए हैं कि मनता मन बड़ा पार मान है। तो मन है चंचल चित उदास, मन है चंचल चित उदास और ठाड़ा ही जमुना में लज्जल है प्यार। हमारी जो जिसे विषय को लेकर परमात्मा के समीप हम सभी आए हैं, तो उस विषय वस्तु को मैंने छोड़ दिया। शरीर को स्थान पर बैठाने से और मन को शरीर से अलग करके रखने से कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो। इसलिए कि धनी मन चला जाए तो मन के आप तो जाने दो, तन के रातों थी मन बेचारा की करी है लौट के आइए थी। जिस घर के मुसाफिर आप हैं, आप किसी कारणवश घर से चले गए तो आपका स्थान वही हो जा जहाँ से आप गए। उसी तरह मन का स्थान शरीर में है और मन आपको बिलक रहा है, कभी कभी आपके शरीर से मन के लगाव बहुत दूर चला जाता है। शरीर स्थिर रहता है, इसमें हरकत नहीं होता है। संत महात्मा कहते हैं कि जब आप साधन में बैठिए, गुरु चिंतन में बैठिए, गुरु शब्द को चिंतन कीजिए, गुरु के रूप को ध्यान कीजिए। ध्यान शब्द जो है हम सभी साधक के लिए बहुमूल्य है। ध्यान के बदौलत
ध्यान के कृपा से जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर ज्योति जति सन्यासी सब ध्यान के ही बदौलत अपने आप जो नाम लेख में उनका छपा है। धर्म प्रेमियों, मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जिस स्थान पर आए हैं, मन अगर आपका एकांत नहीं होता है तो उसको खुली नजर से आप किसी तस्वीर को, किसी स्वरूप को, किसी भी देवी देवता परमात्मा को, उसका स्वरूप को चिंतन कीजिए। खुली आँख से, जब खुली आँख से आप चिंतन करेंगे तो संतों ने कहा कहे कि देखत देखत ऐसन देख, देखत देखत ऐसन देख कि मिट जाई दुर्धा और रह जाइए। दुर्धा जो है वह है आपको साधन भजन से दूर हटा, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं संत महात्मा इस बात को जाग करते हैं कि नैना ने आगे देखिए, नैना ने आगे देखिए आत्म अंतर सोय अब तहमन खेले पी उसे दादू सदा, तहमन खेले पी उसे दादू सदा। दादू दयाल जी का ही कथन कि नैना ने आके देखिए, हमारे संत त्रिलोकीनाथ जी जब रास्ता में चलते हैं, अभी वर्तमान में आपके पास हैं, शरीर में हैं, उनके आप अनुभव कीजिएगा कि जब वो रास्ता तय करते हैं तो उनका पलक जो है तो हमेशा नीचे की ओर रहता है और उनका हमेशा ध्यान नाम की ओर रहता है। सारे इंद्रियों को समेट कर साधक या जब साधना करता है तो उसे परमात्मा की शक्ति का भान होता है। परमात्मा की शक्ति के भान किस तरह से भान होता है कि जिस तरह से कछुए पर कुछ बाल होता है और वो रास्ता चलता है और उसे जब अनुभव होता है कि हमें कुछ कष्ट होने वाला है तो कछुआ अपने सारे शरीर को एक डब्बा के माफी अंदर कर लेता है और जब शरीर को समेट के अपने अंदर कर लेता है तो उस पर दुख का पहाड़ भी टूट जाता है तो उसे कुछ नहीं। उसी तरह साधक जब अपने सारे इंद्रियों को समेट के आप परमात्मा के ध्यान करेगा तो परमात्मा उनकी बातों को, उनकी चाह को, उनकी आवाज को सुनकर और उसे पुनः संतुष्टि प्रदान कर। आइए हम सभी मिलकर एक भजन दोहराएं। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे को रूठन
दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे कुटुम परी वार अच्युत दारा माल धन लाल लोचन की कुटुम परी वार अच्युत दारा माल धन लाल लोचन की हरि के भजन करने में हरि के भजन करने में अजर छूटे तो टूटन दे हरि के भजन करने में अजर छूटे तो छूटन दे। धर्म प्रेमियों अभी यहाँ बहुतों भाई साहब आए हुए हैं, वे शरीर यहाँ है लेकिन वह शरीर के अंदर जो मन है जो अपने स्थान पर पहुँचा। जब हम लोग त्रिलोची बाबा के साथ रहते थे तो 15 दिन 10 दिन माने समय के भान नहीं रखते थे और उनके पाछे पाछे मैं चलते रहता, लेकिन आज है समय बांध के जो मनुष्य आया है जो जीव आया है न यही है और न वही। हमारा कहने का उद्देश्य है कि आप जहाँ हैं कहाँ के बारे में सोचिए, वर्तमान सोचिए, भविष्य छोड़ दीजिए और भूत भी छोड़ दीजिए। बीती हुई बात तो याद नहीं कीजिए, आने वाला बात पर ख्याल मत कीजिए और जो वर्तमान में स्थिति या परिस्थिति बनता है उस आधार से चलने का प्रयास कीजिए। अभी पोजिशन ऐसा है, समय ऐसा है कि एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी थे और उन्होंने अपने आप में संकल्प लिए कि आज से मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। अब बड़ा ध्यान पूर्वक संसार के या परमार्थ के भी अगर उनको दृष्टि पड़ता था तो देखने में लगता था कि हाँ ध्यान ठोक चोक ध्यान दे। तो जब रास्ते में चल रहे थे तो सुबह चले, शाम हुआ, शाम होने के बाद रात्रि विश्राम हुआ, रात्रि विश्राम होने के बाद उन्होंने सुबह सोचे जरा स्नान बना लें, ध्यान कर लें, लेकिन जगह के चयन में उन्होंने एक नदी किनारे पर ध्यान नहीं। जब नदी किनारे पहुंच गए तो वहां सोचे ये तो बहुत बड़ा अच्छा पत्थर रखा हुआ है, पानी है ये है, सौ की गए मुंह साफ किए, स्नान किए और उस बड़ा पत्थर पर बैठ कर ध्यान कर लिया। जब ध्यान करने लग गए तो उसी स्थान पर एक धोबी कपड़ा धोने आता और उसका ही पत्थर था,
को आया तो सोचा कि अरे महात्मा जी हैं, दो चार मिनट ध्यान करेंगे, पत्थर छोड़े जा, तब हम उस पर बस कर भरेंगे। लेकिन महात्मा जी को ध्यान में भर गया। धोबी इंतजार में बैठा हुआ था और धोबी इंतजार में बैठा हुआ था या महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। जब धोबी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि सूर्य की प्रकाश, सूर्य की ताप बढ़ रहा है, तो धोबी ने महात्मा जी को इशारा किया कि महात्मा जी अब कोई पत्थर छोड़िए, ये हमारा काम की चीज है। अगर जब महात्मा जी ध्यान पर बैठे थे तो देवताओं रोजी ने भी बड़ा ऊंचा ध्यान से प्रसन्न हुए। और यहाँ धोबी महाराज जो थे तो उनको डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब किया तो धोबी अपना स्वार्थ में, महात्मा जी अपना स्वार्थ में। जब साधना टूटा, ध्यान टूटा, तो दोनों में ऐसा झंझट हुआ, ऐसा झंझट हुआ कि जाली चलाओ की बात चला। महात्मा जी कहते हमें ध्यान से डिस्टर्ब किए, धोबी कहता है हमारा पत्थर पर क्यों बैठ गया। तो महात्मा जी परमात्मा से कहते हैं कि मैंने आपका ध्यान किया, धोबिया क्या किया? धोबिया तो कहियो नाम नहीं लेता है, और मैं आपको सुबह शाम ध्यान करता हूँ, कहीं कि हम आपके मदद के लिए आए थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि कौन धोबी है और कौन महात्मा। हम अगर उस बात को समझ जाते कि आप महात्मा हैं तो आपसे जरूर साथ माने मदद करते। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी संस्था से आप ज्ञान लेते हैं, किसी भी गुरु के शरण में आप गए हैं, और आपके रहन सहन खान पान बोल चाल बात विचार में विफल नहीं हुआ, संसार के आदमी से आप अलग नहीं हुए, तो फिर उस क्रिया के चरण से क्या आपका रहन सहन अलग होना चाहिए। बाजार में बैठ के चाय पीजिएगा, नाश्ता कीजिएगा, आपका बात के प्रभाव कम करेगा। आप जैसे संसार बाबा बोलता है वैसा ही बोलते हैं। आज लोधीपुर में 13-14 साल से हम आ रहे, लेकिन बाजार में 3 घंटा आदमी बहस करेगा, लेकिन आश्रम में आके साधन नहीं करेगा। बाजार सुबह शाम यहाँ सत्यनारायण स्वामी जी बोले थे सभी सदस्य कि आप हर गुरुवार अगर गृहस्थ के आश्रम में आए, संसार में आप फंसे हुए हैं, तो कम से कम गुरुवार के आप 1 घंटा समय निकाल कर आश्रम में आइए और छोटी दिन की प्रार्थना कीजिए, कोई आवे या न आवे आप ध्यान। लेकिन यहाँ तो बात है कि फलना चला फलना चला, और चले में ट्रेन प्लेटफार्म पर लगा हुआ है, और पहले तू चढ़ा पहले तू चढ़ा, और इसी में ट्रेन सीटें भी आप सूट निकल। तो धर्म प्रेमियों, संत महात्मा की बातों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ा मैंने बिताना है कि यहाँ की जो भाइयों से क्यों एकजुट होकर इस स्थान पर बैठते नहीं है, किसी का चेहरा किसी को देखना पसंद नहीं होता,
किसी का बात किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी का विचार किसी के विचार से तालमेल नहीं करता, तो परमात्मा की भक्ति उसे नहीं। रहो मिल के भारत में हर जात से, समझाओ मनुष्य को हर बात से, उठाओ तुम गीता या बाइबल कुरान, मिले क्या तुम्हें ये दिन सच्चा प्रमाण। ये भारत महापुरुषों का स्थान है, हर भारतीय उनका संतान है, तो सीने में चक्र सुदर्शन चले, सभी देवी देवता के दर्शन मिले, हृदय के अंतरतः में है शब्द शून्यता, बिना द्वेष दृष्टि के नहीं शून्यता, अभी भी जा गुरु के शरण में चलो, चाल जाल माया को तुम जीत लो, प्रेम पहिया ही जन्नती चावेल है, जो चलना न चाहे तो मैं क्या करूं। वेद परमाणु देता है सतनाम की महिमा बहुत है गुरु धाम, जो आप गुरु धारण कर लिए हैं, धारण किए हैं, बनाए नहीं हैं, मोल नहीं करते हैं, धारण किए हैं धारणा, तो उस धारण किए हैं धर्म बतलाने क्या चीज नहीं है, धर्म धारण करने क्या चीज है। आपके गुरु महाराज हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, आंख भी बंद कर दिए, कान भी बंद कर दिए, मुंह भी बंद कर दिए, और फिर आप जो कहते हैं ध्यान किए, निष्ठा बैठो मनमानी और ध्यान रहे जहां की पानी, तो ये ऐसा हो जाएगा कि हम लोग आते हैं कैसा, कि हम लोग आते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना। आप लोग कसम खा लिए लोभी पुरवाले कि उन लोग के काम है साल में आना, अपना बोरिया बिस्तर फैला देना, खाना और चल जाए। आप लोग के मानस पटल पर यही शब्द बैठा हुआ, लेकिन धर्म प्रेमियों, अरे हम तो आना छोड़ेंगे नहीं, आप बनिए या न बनिए उससे मैं चलना, हम तो आना नहीं छोड़ेंगे। जब हमारा ये संस्था है, जब हमारे गुरु महाराज इस निवास स्थान को बना के गए हैं, तो जब लगी तन में प्राण रहे जा, नाम रूप क्या ध्यान रहे जा, विलीन तुम्ही में हो जाऊंगा, इतना कर दे सचारेंगे। मैंने कसम खाया, मैंने प्रतिज्ञा किया है, जो साधक गीता पर हाथ धर के कसम खाया कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, संसार के मोह माया में नहीं फंसूंगा, और गुरु जी से सामने गीता पर हाथ धरे तो आपको गर्व ने बिठाया। अरे हिंदू के लिए गीता है और मुसलमान के लिए कुरान है, पवित्र ग्रंथ पर आपने धर के कसम खाया है, आप जो कसम खाए हैं उस कसम को याद कीजिए। आप गुरु के आपका हाथ नीचे था, गुरु के हाथ ऊपर था, ऊपर छुटकारा पा लेंगे। हमारी बात तो आप अपने जेहन में अगर नहीं बैठा पाए हैं तो पुनः फिर से सुन लीजिए, सुनाने वाला सुनाते रहे क्या, और आप चेता बन गए हैं रोड है, कितना टेम्पू आया कितना टेम्पू जाएगा उसको आप निहारते रहिए, स्टॉपेज रहे जा वही टेम्पू को याद किया।
तो जितने संत महात्मा यहाँ आएंगे, जितने जाएंगे, लेकिन जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के माने जीव है, उसी के कल्याण वास्ते इस संस्था आश्रम इस सत्संग भवन बना है। हम लोग तो दो दिन आते हैं, क्योंकि आपका जुटाया हुआ अनाज खा लेते हैं, चले जाते हैं, आप सोचते हैं चलो चल झमेला कर। आने के ये 4 महीना पहले से अगर किसी को चिंतन होता हो क्या कि सावन पूर्णिमा आ रहा है, और हर साल होना है सावन पूर्णिमा आ रहा है, इतने से आप चला है ये महीना जो जूता महीना आप चला जाता तो अच्छा होता। 12 महीना के साल होता है कि 24 महीना के हो जाता तो अच्छा है। आपके हरकत को जानते हुए हमारे जनार्दन जी कल हमसे बोल रहे थे कि बाबा यहाँ ये 4-2 साल पूर्व के हम छोड़ दिए, हम लोग आना छोड़ कि हमारी पुरतती जमीन है, यहाँ के लोग भला ही संस्था में आना छोड़ दें लेकिन हम लोग जाने के लिए नहीं छोड़ते, और आपके आशीर्वाद से और परमात्मा की मर्जी से साल में 2-4-5 आदमी हर समय आते ही रहते। धर्म प्रेमियों, मेरी यह प्रार्थना को आप सभी मोदी पूर्ववासियों जो इस संस्था से जुटे हुए हैं वे अपने आप में थोड़ा ध्यान, हमारी माँ बहन भी इस विषय वस्तु को देखिए कितना बढ़िया बात जरा मैंने आप सोचिए। सावन पूर्णिमा में देवी मैया ही पूजा हुआ 5 दिन 6 दिन हमारी माँ बहन 2-4 हम भी सुने 2-4 आगे उठो उनको जचा देती है, उठा देती है, दान में सरवन कर देती है। अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आप लोग चाहिए नहीं आइए इस रूम में, आप लोग को महिला इतना भी परमात्मा ने भेजा नहीं दिया है कि उसका भी निश्चित करें कि साल में एक बार पूजा हुआ 2-4 दिन 5 दिन भजन गा के सुना देती है, नीम में पानी देती है, पीपर में पानी देती है, आके माता जी को सेंदू टीका करती है। जो नहीं बोलता है, जो नहीं बोलता है उसको इतना सेवा होता है, और जो बोल रहा है उसको आप कदर नहीं। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की। तो मैं यही आशा करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अगले वर्ष जब हम आएंगे आपका आशीर्वाद से अगर हम चुस्त आएँ दुरुस्त रहें तो यहाँ यहाँ जरूर आएंगे। और आप सभी को श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ संलग्न होकर जब देखेंगे तो हमारा अंतःकरण उत्साहित हो जा, और मैं आपको हमेशा नमन करूँ। अभी 29 जनवरी का परशुराम मनेर कॉलोनी में रखाया है, हम लोग अभी परशुराम समाप्त करके आपकी करके और मनेर जगह चयन करने के लिए 2-4-5 आदमी जाएंगे, और पुनः शाम में फिर प्रोग्राम की कड़ी चलेगा, और आज सामने आप सभी को कह देते हैं कि हमारे पूना से योगीनाथ जी मोबाइल के जरिए आप सभी को संदेश देंगे, इसलिए हम लोग 6 बजे चल के माफी बुझाई स्टार्ट करेंगे,
अब 10 बजे तक तुम काम करेगा। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। चलिए।